चाचा शरद पवार को उन्हीं के दांव से भतीजे अजित ने किया चित, दोहराई 41 साल पुरानी कहानी। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार अचानक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एक दिन पहले जहां लग रहा था कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उद्धव ठाकरे के सीएम बनने पर लगभग फैसला हो गया था। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार ने पूरा गेम ही बदल दिया। अजित पवार ने न केवल बीजेपी को समर्थन दिया बल्कि फडणवीस के नेतृत्व में बनी नई सरकार में डिप्टी सीएम भी बन गए। भतीजे अजित के इस दांव से पार्टी के मुखिया शरद पवार ही नहीं पूरा परिवार ही सन रह गया। इस बीच शरद पवार ने साफ किया कि प्रदेश में बनी नई सरकार का उनकी पार्टी एनसीपी समर्थन नहीं करती है, बीजेपी को समर्थन देने का अजित का फैसला निजी है। भले ही शरद पवार ने भतीजे के कदम को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो अजित पवार ने कहीं न कहीं चाचा के ही दांव को आजमाया है। अजित पवार ने एक दांव से शरद पवार को किया चित, एनसीपी नेता अजित पवार ने जिस तरह से बीजेपी के खेमे में जाने का फैसला लिया और नई सरकार में डिप्टी सीएम बने, उनके इस कदम ने पूरा सियासी परिदृश्य ही बदल दिया। हालांकि अजित पवार ने इस दांव के लिए कुछ वैसा ही रास्ता अपनाया जैसा कि उनके चाचा शरद पवार ने 1978 में अपनाया था। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई थी जब 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और इसके बाद महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1978 में शरद पवार ने चला था जो दांव, अजित पवार ने उसे ही अपनाया।